हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रानीज किचन। चलिए आज कुछ सॉफ्ट सा ड्रिंक बनाते हैं। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि ओट्स की रेसिपी है, ओट्स स्मूदी। ये बहुत ही सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी है। एक्सरसाइज करने के बाद सुबह सुबह भूख तो लगती ही है, पर अगर कुकिंग करने का मन न हो तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है स्मूदी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड वेट लॉस के लिए भी बेस्ट है। ओट्स है ना, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और इसके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है। ओट्स को आजकल लोगों ने अपनी डाइट में शामिल किया हुआ है और इसकी अलग अलग तरह की डिशेस बना के ट्राई कर रहे हैं। बात अगर फ्रूट्स की जाए तो एप्पल इज़ द बेस्ट। इसे हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हमने लिया है एक एप्पल और एक लिया है हमने अनार, इसे भी हमने छील लिया है। इसमें फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के भी ऐड कर सकते हैं। अपने आप में सारे फ्रूट्स खट्टे या मीठे होते हैं। अब आ जाती है दही, एक बाउल दही। दही को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, चाहे वह लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो। शक्कर को हटा के शहद ने अपनी पहचान बना ली है। अगर शहद का यूज़ किया जाए तो शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। ये हमने ली है 3 टेबल स्पून। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स तो बस ऐसे ही मुट्ठी भर के खा लीजिए और हेल्दी रहिए, इसके तो लाजवाब टेस्ट हैं। बस अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जार में लेके ग्राइंड करना है एंड स्मूदी इज रेडी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक जार में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इस पे ऐड करेंगे ओट्स, 1/2 बाउल ओट्स, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी हैं। अब आ जाती है दही, मीठी मीठी दही। दही की जगह आप दूध भी ले सकते हैं। अब आ जाएंगे अनार एंड नाउ एप्पल। पीछे पीछे आ रही हैं हनी। हनी के मिलते ही सारी चीज़ें और डबल मीठी हो गई। आप सभी के लिए फिर से मेरा एक ये न्यू ट्राई है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। थोड़ा इसे थिन करने के लिए इस पे ऐड करेंगे 1/2 बाउल वाटर एंड ग्राइंड करते ही रानीज किचन की टेस्टी यमी स्मूदी रेडी। अब इसे करते हैं डिश आउट। एक ग्लास पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और फिर ऐड कर देंगे स्मूदी। फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी यह रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। आपके फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये स्मूदी की रेसिपी शेयर कर दीजिएगा। एंड मुझे पता है फैमिली के लिए तो आप बनाने ही वाले हैं। और ये जो हमारे चीफ गेस्ट है ना, उसे हम फिर से गार्निश करने के काम में ले आते हैं। ये देखिए, ये और टेस्टी हो गए। तो ठीक है जी, फिर हेल्दी बनाइए, हेल्दी ड्रिंक पीजिए और हेल्दी रहिए। चलिए फिर मिलते हैं और किसी बेस्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।